कार्तिक महामहत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 20 में हमने वामन भगवान की प्राकट्य कथा का श्रवण किया था। अब आगे आज इस अध्याय में गंगा जी की उत्पत्ति की कथा बताती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मन और भाव से सुनिएगा। सुना रही हूँ मैं श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महत्तम का सुनो ये 21वां अध्याय। नारद मुनि बोले, राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हविष्य ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और अगर वही स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, इसलिए यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्ध आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ जो आपने आज यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 भाग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता? वामन रूपी भगवान कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं, मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मध्यान्ता जैसे राजा आज कहाँ है? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें? भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है और ना होगा। अब मैं तुमसे पूर्वकाल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 पत्नियां तथा अनेक पुत्र थे। वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमक्त ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पंग भूमि मांगी, तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। यही कारण है राजन, आप हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोहे की टूटी में जल रोककर बैठ गए।
वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाला कुशा लेकर उस लोहे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने तीन पग भूमि का संकल्प दे दिया। उस समय भगवान ने विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने दो पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, फिर पाव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से सूत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया, वह निर्मल लोक पवन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे सबके स्वामी अनंत मूर्त, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदांतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान व स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हमारे कार्तिक महा महत्तम के अध्याय 21 का विराम। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखें, कलयुग केवल नाम आधार। प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ बोलते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण।